आप सबका इस सत्यलॉजी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और ये हम सब के लिए बहुत ही पुण्य अवसर है कि अपने जीवन में हम 500 साल की हिंदू की जो हमारी तपस्या है पूरे समाज की, उसको हम देख रहे हैं मंदिर बनते हुए। ये मंदिर 47 में ही बन सकता था, लेकिन अब बन रहा है। उसका कई कारण हो सकते हैं और आपको तो मालूम ही है, क्या मेन कारण है कि जो पिछली जो कांग्रेसी गवर्नमेंट्स थी उन सब ने मंदिर को नहीं बनने दिया इस्लामिक तुष्टिकरण के कारण। और मैं तो ये भी मानता हूं कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं दिया हिंदुओं को, ये मंदिर हिंदुओं ने स्वयं बना रहे हैं मुसलमानों के विरोध के बावजूद। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मुसलमान जो हैं वो सब इसमें जुड़े, आशीर्वाद लें और हिंदू राममय बने, बिकॉज वो जो पंथ है वो अरब, जो उनका मत पंथ है वो अरबी मान सकता है, भारतीय मान सकता नहीं है। लेकिन चलिए अब उसको तो अलग बातें हो गई। तो सभी देवता जो आए थे भगवान राम की सहायता करने के लिए वो वापस अपने अपने कार्य करके चले गए, जहां जहां उनका धाम है। लेकिन जो भगवान राम के साथ था वो भगवान राम के साथ ही वापस गया। जैसे सुग्रीव को भगवान राम बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन विभीषण को क्या बोलते हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। विभीषण को बोलते हैं तो कि जब तक संसार की प्रजा धरिष्यन्ति, जीवन रहेगा प्रजा में, तब तक तुम लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। तो मतलब लंका में रहकर तुमको स्थान दिया पृथ्वी पे, लंका में। अभी आज की लंका श्रीलंका नहीं है, मैंने ये पुस्तक में प्रूव कर चुका हूं, और बहुत सारे प्रीवियस आचार्य ने भी बोल चुके हैं, पहले के आचार्य ने बोल चुके हैं कि लंका जो है 00 मेरिडियन पे है। उस वाली पुस्तक में मैंने अनेक प्रूफ दिए हैं, सूर्य सिद्धांत के, भागवत पुराण के, हर जगह के। और उसका लोकेशन आजकल का मालदीव है और चागोस अर्चिपेलागो है। भारत को चाहिए कि भारत अमेरिका से बोले जो ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया हुआ है डिएगो गार्सिया, उसको खाली करे वो सारा जगह। और मालदीव का जो आइलैंड्स हैं, अगर ये लोग राम भक्त नहीं बनते तो समुद्र के नीचे जाने वाले हैं, तो इनको राम भक्त बनेंगे तभी वो समुद्र के ऊपर रहेगा। तो मालदीव तो डूबने वाला है, तभी जितना भी पॉलिटिक्स खेलना है लोग खेल लें, लेकिन वो अगर राम मय नहीं होगा तो डूब जाएगा। क्योंकि वहां पे विभीषण लंका की जगह है, और लंका विभीषण आज भी है, क्योंकि ये भगवान राम का आदेश है। भगवान राम जो बोलते हैं पूरी सृष्टि उसका पालन करती है। तो भगवान राम बोल रहे हैं जब तक प्रजा धारण करेगी, प्रजा अपना जीवन धारण करेगी, तब तक तुम्हारा राज रहेगा। तो लंका आज भी है। अभी लोग बोलेंगे ये तो मिथोलॉजी है, नहीं, अगर राम के शब्द हैं तो ये सत्यलॉजी है, इसमें मिथोलॉजी कहीं नहीं है। तो यहां पर बोलते हैं कि जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी, और जब तक यावत तिष्ठति मेदिनी, मेदिनी मतलब पृथ्वी को भी बोलते हैं, यावच मत कथा लोके तावत राज्यम तवासिता, तब तक तुम्हारे भूचल भूतल पे राज रहेगा। चंद्रश्च सूर्यश्च यावता, और जब तक पृथ्वी चंद्र, मतलब यहां पे अभी भी विभीषण का राज रहेगा, भगवान राम ने बोला है, इसका मतलब विभीषण का राज चल रहा है और ये चलता रहेगा। और कहां है वो, किधर है विभीषण, हमको तो पता नहीं इस समय, लेकिन राज उनका चलता रहेगा, मतलब राक्षस अभी भी पृथ्वी पे है ऐसा मानना पड़ेगा। अब आजकल के साइंटिफिक में लोग क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वाल्मीकि ने लिखा हुआ है तो उसको सत्य मानना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन होगी तो वो दिखेगा। और मैंने भगवान राम बोलते हैं ये बातें तो मैंने तो मित्र भाव से कही हैं, लेकिन तुमको इस आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम प्रजा की रक्षा करो, और जो भी मैंने तुम्हें बोला है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो
मैंने आपको पहले बताया था, भगवान राम बता भी रहे हैं और साथ में आदेश भी दे रहे हैं। तो भगवान राम अगर कुछ बोलते हैं तो वो जस्ट एक सिंपल सा रिक्वेस्ट नहीं है या फिर एक व्यू पॉइंट नहीं है जिसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं, उनको आदेश है, तुम्हें आदेश का पालन भी करना पड़ेगा। अच्छा, किंचान्यत वक्तुम इच्छामि राक्षसेन्द्र महाबला आराध्य जगन्नाथ, जगन्नाथ का शब्द है, जगन्नाथम इक्ष्वाकुल देवतम, इक्ष्वाकुल देवतम आराधनीयम निशम देव्यारपि सभासमे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी रंगनाथ गया और मैं हमेशा वहां पे जगन्नाथ को ढूंढता रहा, और मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, रंगनाथ जगन्नाथ ही है। और मुझे ऐसा लगा, मैं हृदय की बात बताता हूं, कि मैं जगन्नाथपुरी में हूं। मैं पूरा रंगनाथ में 2 साल गया हूं, अभी 2nd time भी गया था इस बार, और मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे बार बार जाऊं। वो मंदिर मुझे बहुत पसंद है, त्रिची में है। और मैं जब भी गया वहां पे मुझे जगन्नाथ ही दिखाई दिए हर जगह, हर जगह। और रंगनाथ की इतनी कृपा थी उनके भक्तों के द्वारा कि मुझे वहां पे अपने पास खड़ा रखा उन्होंने बहुत लंबे समय तक, बड़े बड़े लोगों को मौका ना मिले, खड़ा रखा मुझे वहां पे। और आज मैं वो श्लोक पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं। बाय द वे, आराधय जगन्नाथम इक्ष्वाकु कुल देवतम। जगन्नाथ जो है या रंगनाथ जो है, ये इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं, तुम उनकी आराधना करो। और इंद्र आदि देवता भी इनकी आराधना करते रहते हैं, तुम भी उनकी सदा पूजा करते रहना। तो जगन्नाथ जो शब्द है बहुत पुराना शब्द है, ऐसा नहीं कि ये जगन्नाथ जो है आज इन्वेंट हो गया और पुरी के जगन्नाथ, वो तो है जगन्नाथ। लेकिन ये जो शब्द जगन्नाथ जो है, शेषशायी भगवान विष्णु को भी जगन्नाथ बोला जाता है। तो यहां पे ये जो श्लोक था मुझे बड़ा लगा, क्योंकि मेरा इमोशनल अटैचमेंट है जगन्नाथ जी से। तो जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ी देर के अचंभित भी हुआ, मैं पढ़ रहा था, मैं और सोच रहा था कितना हम राममय बने, कितना जप करें। जैसे मैं काउंटर पे जप करता रहता हूँ तो वो रहता है मेरे पास में, और मैं जब मैं कर रहा था मैं देख रहा था कि क्या लिखा हुआ है इधर, इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ रंगनाथ का, आपने वीडियोस तो देखे ही है मेरे, कि वहां पे मैं जहां गया मुझे जगन्नाथ ही दिख रहे थे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हर पत्थर में मुझे लग रहा था जगन्नाथ जी हैं कहीं पे। तो और मैं ये श्लोक पढ़ के मैंने बोला अरे ये बात थी वहां पे। और राक्षस राज विभीषण, देखिए भगवान राम के सामने पहुंच के आप ये नहीं बताते आप कौन है, आप राजा हैं या प्रधानमंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, ये नहीं बताते आप भगवान राम। भगवान राम के सामने विभीषण के जैसे खड़े रहते, हाथ जोड़ के बस खड़े रहे हुए देख रहे हैं, अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आप ये नहीं करते कि अब मैं पूछ रहा हूं भगवान राम की मेरी समस्याएं ये हैं, आप भगवान राम की समस्या नहीं बताते, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ऑलरेडी है कि शरीर है आपके पास, मतलब आप कर्म बंधन में लिपटे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब भगवान राम के सामने खड़े होकर आप ये सब बकवास नहीं करते कि मैं ये हूं, मैं CEO हूं, ना राम के सामने ना गुरु के सामने, दोनों के सामने नहीं किया जाता। क्योंकि अगर आप किसी के सामने बोलेंगे मैं ये हूं, इसका मतलब आप शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ में कैसे आ रहा है परमात्मा भगवान के बारे में। तो ये बड़ा साइंस है एक्चुअली, इसे को पतंजलि बहुत अच्छी तरह बताते हैं। वृत्ति को जब आप कंट्रोल करते हैं और मन जब शांत हो जाता है वृत्ति को कंट्रोल करने के बाद, उसके बाद ध्यान धारणा समाधि होती है, फिर उसके बाद संयम करते हैं, तब आपको दर्शन होने शुरू होते हैं। तो देयर इज अ बिग प्रोसेस, इट्स अ साइंस, ये विज्ञान है, और ये एक्सपीरियंस के थ्रू है। क्योंकि विपर्यय और विकल्प ये एक्सपीरियंस के विषय है। तो वृत्ति को जब तक आपने थियोरेटिकली पढ़ लिया लेकिन आपने उसको रियलाइज नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया है, मैं भी ट्राई कर रहा हूं आपके जैसा, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, लेकिन
मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस है, थियोरेटिकली मुझे मालूम है, लेकिन उसके लिए मुझे भी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी ताकि मैं वो अपने इस जन्म को सक्सेसफुल बना सकूं। एंड दैट इज द आर्ट ऑफ योगा, योगा कर्मसु कौशलम बोलते हैं शास्त्र में। मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो जगन्नाथ शब्द जो है वो शेषशायी विष्णु के लिए, सभी विष्णु अवतारों के लिए यूज किया जाता है। तो रंगनाथ वही जगन्नाथ है और दोनों की आंखें एक समान है। आप रंगनाथ टेम्पल में गएंगे उनकी आंखें देखिए और जगन्नाथ टेम्पल जाएंगे उनकी आंखें देखिए, सेम है। इधर बैठे हुए जगन्नाथ जी सामने, इधर मेरा मंदिर हॉल में ही है, इधर ही मंदिर। तो और मैं आपको बताऊंगा कि विष्णु की आराधना मेक्सिको में भी होती है, ओमनी ओतल, ओमनी ओतल। अब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है नवोतल, मैं इस बार सीखने वाला हूं। मैं टुलुम जाने वाला हूं और वहां पे मैं यही मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं कि वहां पे सभी मंदिरों में जाके जप करूंगा, आह्वान करूंगा देवी देवताओं का कि वापस सनातन संस्कृति वहां पे शुरू हो, क्योंकि वो लोग सरल स्वभाव के होते हैं मेक्सिको के लोग। और लेकिन जो स्पेनिश इंक्विजिशन है उसमें वो उनका बर्बादी हो गया, लेकिन अभी हमारा दायित्व है वहां पे रिवाइव किया जाए, हम सबका दायित्व है। और हम लोगों को अपना धन ऐसे ही कार्यों में लगाना चाहिए। जितने भी रिच बिजनेसमैन देख रहे हैं, आप हमारे साथ काम करिए और इस एरिया में पैसा लगाइए, क्योंकि सनातन संस्कृति के उद्धार के लिए जब आप धन को धर्म की सेवा में यूज करते हैं तो उससे धन और ज्यादा प्रोड्यूस होता है, कम नहीं होता। अच्छा, विभीषण ने इसको धारण किया आदेश को, यह आदेश है, और उन्होंने पालन स्वीकार किया। राक्षस मुखिया नाम राघवाज्ञम अनुस्मरण, याद कर रहे हैं। फिर हनुमान जी से बोलते हैं भगवान राम, तमेव मुक्त्वा काकुत्स्थो हनुमंतम तथा अब्रवीत, जीविते कृत बुद्धिस्त्वम मा प्रतिज्ञाम वृथा कृथा। उन्होंने हनुमान से बोला, तुमने दीर्घ काल तक रहने की इच्छा रखी है, निश्चय किया है, अब तुम इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ ना करो। तो ये था माम प्रवर्तन ताम भजन में। जैसी प्रतिज्ञा आप करते हैं ना, भगवान राम उसी को सुदृढ़ रखते हैं। जैसे अगर आपकी किसी देवता में इच्छा है पूजा करने की, भगवान राम उसको ही सुदृढ़ कर देंगे उस इच्छा को। तो लोग बोलते हैं कंपीट हो रहा है राम गॉड, वेस्टर्न वर्ल्ड के टर्म्स यूज करते हैं गॉड, गणेश गॉड, दिस गॉड, नो, भगवान तो एक ही है राम, अन्य सब देवता है, भगवान एक है हरि, अन्य सब देवता है। तो जब भगवान राम बोल रहे हैं हनुमान को, तुमने इच्छा रखी है तो अब तुमको रहना भी पड़ेगा, अब आदेश दे रहे हैं। फिर बोलते हैं मत कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीशुरा, इसलिए महाभारत में भी आप देखते हैं मिले थे भीम से। और जीविते कृत बुद्धिस्त्वम, मतलब जब तक इस संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तावद रमस्व सुप्रीतो सुप्रीतो मद वाक्यम अनुपालयन, और तुम मेरा आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी पे घूमते रहो। सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, विभीषण भी इससे भारत की बात नहीं हो रही, भारतवर्ष तो बहुत ही स्पेशल जगह है। पृथ्वी में सभी द्वीपों में भारतवर्ष एकमात्र वर्ष है जहां देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। और मैं तो हमेशा विनती करूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी से, चीफ मिनिस्टर योगी नाथ जी से, अगर आई एम वेरी स्मॉल और मैं अमेरिका से विनती कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ा हूं, बहुत आई एम वेरी स्मॉल, लेकिन मेरी विनती रहेगी कि हमारे परंपरा के गुरुओं को वहां पे जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तब वहां पे वो लोग रहने चाहिए मंत्रोच्चारण के साथ, सभी संप्रदाय के गुरु, पुष्टि मार्ग और अनेक आदि शंकराचार्य जितने भी मार्ग है, वैष्णव शैव, इट डजंट मैटर, ये सब
तब सब लोगों की वहां पे स्तुति होनी चाहिए। जो कैतब वाले लोग हैं आर्टिफिशियल, जो वेद पुराण को नहीं मानते, ऐसे संप्रदायों के आचार्य को नहीं बुलाना चाहिए, है ना। ना यवन रहे ना मलेच्छ रहे, बाकी सबको तो बुलाना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट आई थिंक। तो भगवान जो है हनुमान को आदेश दे रहे हैं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, प्रसन्नता पूर्वक विचरो। ये भी ऑर्डर है, प्रसन्न रहो। आपको लगेगा यार मेरा इच्छा नहीं है खुश होने की, तो कैसे खुश रहूंगा। नहीं, जब भगवान राम का आदेश है तो प्रसन्न रहना भी पड़ेगा। तो बड़े खुश हुए हनुमान जी। फिर हनुमान जी बोलते हैं, यावत तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तवाज्ञान अनुपालयन। जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश के का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। मतलब अभी मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं कि आज मैं कैमरे के सामने आपके साथ बात करते हुए, मैं भी खुशी से, आधी रात का समय है इसलिए थोड़ा नींद भी आंखों में दिख रही होगी, मैं हनुमान जी जो है उनकी कथा अगर मैं सैन डिएगो में कर रहा हूं तो हनुमान जी को भी इधर आना भी पड़ेगा। मेरा इनविटेशन है, आना चाहिए। और पूरी पृथ्वी पे घूमेंगे, ये भगवान राम का आदेश है। ये कथाएं बड़ी रोचक होती हैं, बहुत ही आनंद वाली होती हैं। आप शायद, आपको सुन के भी मेरे आनंद की अनुभूति भी हो रही होगी, बड़ी आनंददायक होती है। फिर उन्होंने महिंद्र द्वित से बोलते, भगवान राम तुम पांचों व्यक्ति जब तक कि प्रलय एवं कलयुग ना आ जाए तब तक जीवित रहो। अभी वो बोल रहे हैं जांबवान विभीषण हनुमान महिंद्र द्वित को, ठीक है। तो जांबवान महिंद्र द्वित ये तीनों तो कलयुग के शुरू होने से पहले चले गए। आप देखिए रहे कृष्ण लीला में भी थे इनमें से कुछ लोग। जांबवान का एपिसोड तो है, आप देखिए रहे। लेकिन विभीषण तो और हनुमान तो प्रलय काल तक रहेंगे, पृथ्वी पे घूमते रहेंगे और रामायण का प्रचार पृथ्वी पे चलता रहेगा, है ना। अभी आधी रात को भी हम रामायण कथा कर रहे हैं सैन डिएगो में, भारत में दिन हो रहा है इस समय, हो रहा है। तो जहां जहां कथा होगी वहां पे विभीषण और हनुमान जी रहेंगे, ऐसा मानकर चलिए, दृढ़ निश्चय रखिए। ये राम के शब्द हैं। अभी यहां पे ये मत सोचिए ये तो क्षेपक है, ये तो उत्तराखंड से है, ये इधर से है, इस कांड से है। नहीं, राममय बनने की प्रक्रिया यही है कि राम ने अगर बोला राम की आज्ञा का पालन होना चाहिए। और राजा जो है, प्रधानमंत्री जो आजकल जो भी बुलाते हैं नाम टाइटल, तो प्रेसिडेंट टाइटल तो भी दे देते हैं, उन सबको भी आदेश है कि आप भी राममय होके राम के अनुसार, राम के अनुसार राज्य भी करिए। जैसे कि अनुसार मतलब फॉलोअर, एज ए फॉलोअर, धर्म की स्थापना के लिए या धर्म के प्रोटेक्शन के लिए। धर्म मतलब सभी का जो स्वधर्म, सभी जीवों को अपना स्वधर्म पालन करने की इच्छा, जो भी जैसे स्वधर्म उनका होता है, या तो उसको करेक्ट किया जाए या उनको इतनी सिक्योरिटी हो कि वो अपना स्वधर्म पालन कर सके, ये भगवान राम का आदेश है, है ना। सो भगवान राम के आदेश के अनुसार ही राज्य होना चाहिए, वही राजधर्म है। तो फिर उन्होंने सारी बातें वानरों से की और बहुत अच्छा बोल के स्वीकार करके वो सभी वानरों को लेके चले गए। तो सारे वानर सब लोग भगवान राम के साकेत धाम चले गए और भगवान राम के आदेश के अनुसार विभीषण और हनुमान यहीं पर रहे, पृथ्वी पर रहे, ये उन्होंने बोला। अच्छा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, डिटेल पॉइंट्स आते हैं कि ऐसा क्यों बोला, और मैं अगला एपिसोड में बोलने वाला भी, इसी पे शायद कवर कर देता हूं। और भगवान राम ने जब उनको बोला गया कि उनकी इच्छा थी कि राजसूय यज्ञ करें, तो भरत ने उनको बोला कि राजसूय यज्ञ, भगवान राम
आप पे तो पूरा विश्व जो है डिपेंडेंट है, और आप के सामने कोई टिकने वाला भी नहीं है। सी युधिष्ठिर जो है मनुष्य है, भगवान राम नारायण है, तो दोनों फर्क है। मनुष्य तो राष्ट्र यज्ञ कर सकता है, उसको पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएगा। भगवान राम तो स्वर्ग से ऊपर रहते हैं, साकेत धाम में रहते हैं, वैकुंठ है वो, तो उनको किसी राष्ट्र यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। उनकी इच्छा थी राष्ट्र यज्ञ करें, थोड़ा मनुष्य का रोल प्ले कर रहे हैं, अर्ध मनुष्य है, तो उनको इसलिए मना किया गया राष्ट्र यज्ञ करने के लिए, क्योंकि राष्ट्र यज्ञ में आपको सभी राजाओं को हराना पड़ता है। अभी भगवान राम के सामने रावण नहीं टिक पाया तो राजा के बाकी मनुष्य राजे कैसे टिकेंगे, सोचने की बात है। तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ नहीं किया, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर ने क्यों किया, क्योंकि पांडु महाराज की इच्छा थी, उनके पिता की, कि मेरा पुत्र मुझे राष्ट्रीय यज्ञ करें और वो पुण्य मुझे दे दें ताकि मैं इंद्र सभा में बैठ सकूं, इसलिए उन्होंने किया। और ये जो राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर ने किया वो कृष्ण की सहायता के बिना नहीं हो सकता था, हर पग पे कृष्ण साथ रहे, तो मतलब इतना भयंकर यज्ञ होता है वो राजस्व यज्ञ, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए आपको विष्णु की शक्ति चाहिए, और कोई शक्ति नहीं चलेगी बीच में, कोई हाफ हाफ कुछ नहीं चलने वाला। तो क्या फर्क पड़ने वाला है भारत में अब इस जो ये जो हम भगवान राम के मंदिर से, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम के आने से, भगवान राम के भव्य मंदिर बनने से धर्म की संस्थापना वापस होगी, लोगों का हृदय वापस परिवर्तित होगा, और जो राक्षस हैं वो तो वैसे ही भागते हैं भगवान राम से, तो वो राक्षस भी दूर होंगे, और पूरे भारत का एक तरह से सौभाग्य उठने वाला है, भाग्य उठने वाला है। ऐसा भारत तो हमेशा ही भाग्य, वहां पे भगवान राम विष्णु के पद चिन्ह है तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कलयुग के समय में और ऊपर उठेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमको वो सारे स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेंगे एज ए मनुष्य। अभी जैसे वहां पे एक मस्जिद भी बन रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है मुझे पता नहीं, ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज है, ये सब जो है ये धार्मिक कार्य नहीं है। राम तो सभी के भगवान है, मुसलमानों के भी भगवान है, सभी के हैं, या मानो या ना मानो। तो ये भारत भूमि में, भारत वर्ष में सिर्फ एक ही देव हो श्री राम, और एक ही सेवा हो श्री राम की सेवा। अगर हम रामायण की दृष्टि से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को देखें, हमको हर चीज सरल दिखाई देगी, और इजीली बता सकते हैं कि क्या कौन सा नकली है, कौन काल्पनिक है, या कौन यूजलेस है, ये बता सकते हैं। तो इट इज द टाइम हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि भगवान राम का आदेश का पालन सभी लोग करते हैं। भगवान राम कोई आपको सजेशन नहीं देते, आपके दोस्त नहीं है, मतलब दोस्त भी मान सकते हैं उनको, लेकिन वो बहुत ऊंचे लेवल, वो जो बात करते हैं एब्सोल्यूट बात करते हैं, वो मतलब उसको बदल नहीं सकते। तो जो उन्होंने आज्ञा दी विभीषण को, हनुमान को, उसका पालन वो आज भी कर रहे हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि विभीषण और हनुमान उस राम मंदिर के बनने में जरूर आएंगे वहां। तो मैं तो बड़ा, जो जिसको जाने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े भाग्यवान है वो सभी लोग, और मैं चाहता हूं कि शायद मुझे जाने का मौका मिले, मैं रेडी हूँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे मुझे, मैंने सुना है कि अभी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है या रेस्ट्रिक्शंस है कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे और उनके फिर से दर्शन लेंगे। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। तो आज के वीडियो में मैंने बताया राम, भगवान राम का विभीषण और राक्षस राज विभीषण और हनुमान जी को क्या आदेश था, और भगवान राम ने राष्ट्रीय यज्ञ क्यों नहीं किया। थैंक यू ऑल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।
और वीडियो चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ मिलकर डिबंकिंग मिथोलॉजी करिए, ट्रैवल करिए हमारे साथ इफ यू वांट टू, और सपोर्ट अस इन आवर रिसर्च ऑन मेनी अदर थिंग्स. मेरी नई बुक भी आने वाली है, एक और नई बुक आने वाली है, बहुत ही भयंकर बुक होगी वो, आपको बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने पे, और ये बहुत सारे डिटेल्स मेरे ओरिजिनल एटलस में है और उसमें भी आप पढ़ सकते हैं. और 1 Arrow 1 Kill जो मेरी बुक है उसको जरूर खरीदिए, पढ़िए और राममय बनिए. हम भक्तों का कार्य होता है भगवान की कथा को एज इट इज प्रोड्यूस करना, नो एडिशन नो डाइल्यूशन, वी आर नाइदर लेफ्ट नो राइट, वी आर धार्मिक, है ना. सो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय जगन्नाथ.